वेलकम टू इन्फिनिटी गेमिंग। तो गाइस आज हम लोग फिर से आ गए एक और नए एपिसोड। तो गाइस कल रात को मेरे को एक कॉल आया था डगन नाम के आदमी का, और उसने मुझे लॉस सैंटोस में अपने घर पे बुलाया है किसी काम के लिए। तो वो तो मेरे को नहीं मालूम कि वो कौन सा काम है और क्यों है, वहाँ पे जाके पता करते हैं। तो गाइस चलो अभी हम लोग जाने वाले हैं उसके घर। तो मैं सुबह सुबह 7:55 हो गई है, तो मैं अभी जा रहा हूँ उसके घर। उसने मुझे लोकेशन सेंड किया है तो वहाँ पे मैं जाता हूँ। और गाइस लास्ट वीडियो में आपको देखा ही होगा कि हमने एक बुकाटी बाई की थी, तो हम इसी कार को लेके जाएंगे उसके पास। वैसे हम भी कोई कम नहीं है, तो फिर हम लोग भी कुछ ऐसी गाड़ी लेके जाए और उसको भी पता चले कि हम कोई ऐसे वैसे नहीं है। तो गाइस जल्दी से उसने मेरे को लोकेशन सेंड किया है, वहाँ पर जाके देखते हैं क्या सीन है और क्या नहीं है। तो और वो कौन सा काम देता है कौन सा नहीं, तो मुझे भी नहीं मालूम, वहाँ जाके पता करते हैं। उसने मुझे क्यों बुलाया क्यों नहीं वो तो मेरे को नहीं पता, वहाँ पे जाके पता करते हैं। तो गाइस आप लोग वीडियो तक लास्ट तक बने रहिए और देखिए वो कौन सा काम है और क्यों है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस जल्दी से हम चलते हैं उसके घर पे। आप लोग हमारी बुकाटी को देखो, हमारी बुकाटी वैसे चलाने तो बहुत बढ़िया है, कंट्रोल भी इसके तो ठीक ठाक है, लेकिन मेरे को तो इसको चलाने में बहुत मज़ा है। आप लोगों को मेरी बुकाटी कैसी लगी कमेंट में जाकर जरूर बताना, और जिस जिसने अभी को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और वीडियो को शेयर भी कर दो। तो गाइस अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं डगन के, वहाँ पर जाके देखते हैं वो कौन है, कितना बड़ा आदमी है, कैसी सिक्योरिटी है, और मेन तो वो हमें कौन सा काम देने वाला है वो तो मेरे को भी नहीं पता, वहाँ पर जाके चल के देखते हैं। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच गए हैं डगन के घर पे। तो गाइस इसकी सिक्योरिटी तो मेरे को बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि बाहर दो सिक्योरिटी खड़े हैं, अंदर जाके देखते हैं कितनी सिक्योरिटी है। ये तो गाइस मेरे को तो बहुत बड़ा आदमी लगता है, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी भी इतनी ज़्यादा है कि आप लोग देख ही सकते हो, और इसके पास कार तो देखिए गाइस कितनी है। तो अभी उसके पास चलते देखते हैं, उससे बात करते हैं और पता करते हैं कि उसको हमारा ऐसा क्या काम लग गया। तो ये रेड इसने तो ब्लैक पैंथर भी पाल रखा है। तो अभी फिलहाल मेरी इनसे बात हो चुकी है, और इसने कहा है कि इसको ना एक ओल्ड विंटेज कार चाहिए जो लॉस सैंटोस में एक आदमी है ना उसके पास है। तो इसने कहा है कि उसके पास से वो गाड़ी चुरा कर मेरे को दे दो, तो फिर उसके बदले में वो हमको $1,00,000 देंगे। तो अभी हम लोग हमारी गाड़ी को यहीं छोड़ देते और इसकी गाड़ी लेके चलते हैं। तो गाइस इसका कार कलेक्शन देखो, ये बीच वाली कार मेरे को तो बहुत बढ़िया लगी, आपको कैसी लगी कमेंट में करके बताना। तो हम हमारी बुकाटी को यहीं पे छोड़ के और डगन की कार लेके चलते हैं। तो वो कार कहाँ से चुरानी है उसका लोकेशन मुझे डगन ने मोबाइल में सेंड किया है, तो अभी उस लोकेशन पे चल के देखते हैं कि वो कौन आदमी है, उसकी सिक्योरिटी कम है कि ज़्यादा है, और वो कौन सी कार है। और देखने का एक्साइटमेंट तो मुझे भी हो रहा है, तो जल्दी से चलते हैं उस लोकेशन पे। वो लोकेशन तो हमारे लॉस सैंटोस में है, तो वहाँ पे चल के देखते हैं कि कौन सी कार है और हम किसे चुराए उसको। ऐसे गाइस ये डगन की कार को आप देखो, रेंज रोवर जैसे लगती है, और ये चलने में भी और कंट्रोल में भी बढ़िया है। इसके व्हील देखो अपने मॉडिफाइड किए हुए व्हील की तरह है। फटाफट से चलते हैं उस लोकेशन पर और कार को देखते हैं। आज लॉस सैंटोस में कुछ ज़्यादा ही बारिश होने लगी है, ये कार तो फिसल रही है, बारिश रुक जाए तो अच्छा है वरना तो मुश्किल होगा। बाइक वाला कुछ ज़्यादा ही गुस्से में मेरे से रेस करना चाहता है, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, उसको मैं बाद में देखूँगा।
जैसे कि हमारे पास टाइम नहीं है, वरना तो इसको इसकी रेस दिखाते हैं। फिलहाल अभी के लिए मैं उस लोकेशन पे पहुंच गया और अभी हम लोग देखते हैं कि वो कौन सा घर है और वो गाड़ी कौन सी है। तो मेरे हिसाब से तो ये मकान में है। गाइस सिक्योरिटी तो मेरे को थोड़ी बहुत लगती है, क्योंकि एक गार्ड मेन गेट पर खड़ा है और दो मैंने छत पे भी स्नाइपर लेके खड़े हुए देखा है। गाड़ी को फिर से लेके चलते हैं और देखते हैं कि अंदर कौन सी सिक्योरिटी है और गाड़ी हमारी कहाँ पे खड़ी है। तो इस वॉल से देखते हैं। तो गाइस मेरे को तो सिक्योरिटी बहुत कम लगती है और गाड़ी भी मुझे दिख गई है, तो अभी उस गाड़ी को कैसे चुराते हैं वो देखते हैं, रास्ता कोई ढूंढते हैं। यहाँ पे भी एक सिक्योरिटी गार्ड है। गाइस ये तो कोई नॉर्मल बंदा लगता है, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी वो हाई लेवल की नहीं है, थोड़ी कम सिक्योरिटी है। तो मैं तो आसानी से कार चुरा लेता हूँ। अभी देखते हैं अंदर जाके क्या सीन होता है, क्या सीन नहीं होता है। अभी तो मेरे दिमाग में कुछ आइडिया नहीं आ रहा। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा कि यहाँ पे कार को लगाते, कार के इसके ऊपर चढ़ के फिर यहाँ से ये वोल्ट टाप के उस तरफ जाके फिर कार को हम फाइनली चुरा लेंगे। अभी हम लोग इस वोल्ट को टाप के उस तरफ चल के कोई सप्रेस वाले गन से इस सभी को एक एक करके मारते और अपनी कार को यहाँ से लेके चलते। तो अभी मैं कार के ऊपर आ गया और वोल्ट टाप के मैं इस तरफ आ गया हूँ। तो इस झाड़ियों में मैं थोड़ी देर के लिए छुप जाता हूँ और कोई सप्रेसर वाली अच्छी सी गन को मैं लेके फिर आगे चलता हूँ। पिस्टल में तो मेरे को अच्छी नहीं लगी, इसमें से कोई सप्रेस वाली, हाँ ये ठीक है। तो अभी गाइस हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं और एक एक सिक्योरिटी गार्ड को मार के फिर हम हमारी कार को लेके यहाँ से रफ्फू चक्कर हो जाएंगे। तो धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता हूँ। तो गाइस 3 2 1 स्टार्ट। तो गाइस अभी एक एक बंदे को हम हेडशॉट मार के गिराते हैं और उस बंदे की सिक्योरिटी तो थोड़ा ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि उसने अभी गोलियां फायर करना शुरू कर दिया। तो गाइस मेरे पीछे तो लग गई है, तो जल्दी से चल के हम हमारी कार में बैठते और यहाँ से जल्दी से लेके उसको भाग चलते हैं। तो गाइस ये देखो ये कार कितनी ऑसम लग रही है, ये पूरी की पूरी क्रोम से की गई हुई है। तो गाइस ये बारिश की वजह से बहुत ही फिसल गई है। तो अभी देखते हैं कि वहाँ पे हम डगन के पास कैसे पहुँचते हैं। तो गाइस ओ यहाँ पे तो रास्ता ही नहीं है। तो अभी हम लोग फिर से टर्न लेके चलते हैं डगन के पास और सबसे पहले तो हम लोगों को इस पुलिस से छुटकारा पाना चाहिए। तो अभी के लिए मैं इस एरिया से बहुत दूर चला जाता हूँ, फिर देखते हैं कि पुलिस हमके पीछे कब तक आती है और तब हम उससे पीछा छुड़ा सकते हैं। तो अभी तो मैं ओल्ड कार को फुल स्पीड में लेके भागने वाला हूँ, क्योंकि पुलिस से हमको छुटकारा पाना है। फिलहाल मैं फुल स्पीड में मेरी कार को लेके जा रहा हूँ और आप लोग मेरी ड्राइविंग देखना कैसी है, मेरे को भी नहीं पता। मैं फुल स्पीड में जा रहा हूँ, कब तक ऐसा कट मारते हैं मेरे को भी नहीं पता। तो आप लोग भी बने रहिए वीडियो में, और वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कार अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट में जाके जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी वाली चाहिए, मैं मेरे से कुछ बेहतर करने की ट्राई करूँगा। तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी से लेके चलते इस वाली कार को यहाँ से जंप करा के, यहाँ पर थोड़ी देर वेट करके पुलिस को हमसे पीछा छुड़ाने का, फिर बाद में हम लोग डगन के पास चल के इसको उसकी कार दे देंगे। तो गाइस 5 साल के बाद हमारा पीछा पुलिस वालों ने छोड़ दिया है। तो अभी हम लोग चल के इस कार को डगन को दे देते हैं और हमारा $1,00,000 उससे ले लेते हैं। तो फिलहाल तो गाइस अभी के लिए आप लोग इस कार को देखिए, ये कार कुछ यूनिक सी लग रही है मेरे को तो, क्योंकि ये विंटेज कार है। तो इसमें कुछ तो होगा, क्योंकि डगन ने
चोरी करने का बोला है तो उस कार में कुछ तो होगा। ये पूरी के पूरे लॉस सैंटोस में सिर्फ एक ही कार है जो ये बंदे के पास थी और हमने इसको चुरा लिया है फाइनली। तो अभी हम लोग फिलहाल जाके डगन बॉस को ये कार दे देते हैं और हम हमारा 1 लाख डॉलर उससे ले लेते। तो फिलहाल चलते हैं डगन के पास। अभी तो मुश्किल काम है यहाँ से कार को बाहर निकालना, तो देखते हैं कैसे निकलता है। तो फाइनली हम लोगों ने कार को निकाल लिया और अभी हम फुल स्पीड में जाके डगन को ये कार दे देते हैं और हमारा 1 लाख डॉलर उससे ले लेते हैं। तो गाइस आप लोगों को कार कैसे लगी कमेंट में बताना और कमेंट करके जाना सभी लोग। नेक्स्ट वाली वीडियो जल्दी आएगी तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है, हमारी कोई न्यू और कुछ तगड़े वाला एपिसोड लेके हम लोग फिर से आएंगे। तो फिलहाल हम लोग जल्दी से चलते हैं डगन के पास। This car. हम लोग पहुंच चुके हैं डगन बॉस के घर पे। तो जल्दी से अंदर जाके मैं उसको उसकी कार देता देता हूँ और मेरी बुगाटी यहाँ से लेके फिर हम हमारे घर पे चलते हैं। तो भाई अंदर बैठ जा, तू बाहर क्यों आया? तो गाइस चलते हैं जल्दी से डगन के पास। तो हम लोग उसकी कार फेवरेट हम चुरा के उसके पास ले आए हैं और इसको दे देते हैं और डगन के पास से हम हमारा 1 लाख डॉलर ले लेते हैं। तो गाइस फिलहाल मैंने मेरा पैसा ले लिया है और मैं अभी जाने वाला हूँ मेरे घर पे। तो वैसे मेरे को तो ये डगन बॉस भी हमारी तरह ब्लैक लवर ही लगता है क्योंकि इसकी सारी सिक्योरिटी और इसकी सारी कार मेरे को ब्लैक ही दिखाई दे रही है और ये वाली कार मुझे कुछ यूनिक सी लगी। तो फिलहाल हम लोग हमारी बुकाटी को यहाँ से लेके चलते हैं हमारे घर पे और वहाँ जाके फिर हम लोग कुछ नया करने की ट्राई करते हैं। तो एक बार मेरी बुकाटी पे मुझे तुझे क्या ही औसम लग रही है और ये भक्ति है तो पूरे के कोई रॉकेट की तरह सुम करके जाती है। तो गाइस आप लोगों को मेरी कमेंट्री कैसी लगी वो भी कमेंट में बता देना। फिलहाल हम हमारे घर पे पहुंच चुके हैं और आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। एंड जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तभी के लिए सबको गुड बाय।